सोलन में आवश्यक वस्तुओं के नाम पर पास बनाकर कुछ लोग नशे का काला कारोबार कर रहे हैं। सोलन में विभिन्न मामले सामने आए हैं जिसमें आवश्यक वस्तुओं को सप्लाई करने वाले चिट्टे एवं अन्य मादक पदार्थों के साथ लोगों को पकड़ा है। आज भी ऐसा मामला सामने आया है जिसमें पुलिस द्वारा एक वाहन को पकड़ा है। इस पर भी आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई करने का बोर्ड लगाया गया था, लेकिन जब इसका निरीक्षण किया गया तो उसमें चिट्टा बरामद किया गया है। पुलिस ने व्यक्ति को गिरफ्तार कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। एएसपी शिव कुमार ने बताया कि देवघाट के समीप नाके के दौरान एक पिकअप को रोका गया। उस वाहन पर आवश्यक वस्तु सप्लाई करने का नोटिस लगा हुआ था। जब इसमें सवार व्यक्ति से इसके बारे में पूछा गया तो वह संतुष्टि भरा जवाब नहीं दे सका, और ऐसे में जब वाहन की तलाशी ली गई तो उसमें से चिट्टा बरामद किया गया है। नशे के खिलाफ सोलन पुलिस की मुहिम, ये जो कर्फ्यू चल रहा है कोरोना वायरस की वजह से, इसके दौरान भी पूरे जोर से जारी है। इसमें पिछले कल एसआईयू की टीम ने देवघाट के पास एक पिकअप रोकी। इस पिकअप पे, जिसका नंबर HP645996 है, इस पे असेंशियल कमोडिटीज़ का पास लगा हुआ था और इसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ था जिसका नाम सन्नी कुमार है, जो कि यहीं धोबी घाट का रहने वाला है। इससे जब इसको पूछा गया कि कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ को जा रहे हैं, थोड़ा चेकअप के लिए रूटीन नाका लगा था हमारा एसआईयू का, तो ये थोड़ा घबरा गया। और जब इसकी गाड़ी को चेक किया गया तो आगे इसके कैबिन में से 5.28 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है। इस गाड़ी को, इस हेरोइन को कब्जा में ले लिया गया है, इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है और NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज करके फर्दर इन्वेस्टिगेशन केस में चल रही है। ऐसे क्यास लगा रहे थे कि लॉकडाउन और कर्फ्यू के समय नशे का काला कारोबार सोलन में खत्म हो जाएगा, लेकिन ये कारोबार अपनी जड़ें सोलन में इतनी गहरा चुका है कि कर्फ्यू के बाद भी इस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। इस काले कारोबार से जुड़े लोग युवाओं की जिंदगी बर्बाद करने के लिए अभी भी शहर में आवश्यक सामग्री पहुंचाने वाले वाहनों का सहारा लेकर या फिर पैदल चलकर ही चिट्टे की सप्लाई कर रहे हैं।